मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं वे अब पूरी तरह से वेंटिलेटर पर हैं। वहीं हालत गंभीर होने की सूचना के बाद अल सुबह से अस्पताल में नेताओं और उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश की सियासत के सबसे लंबे अनुभवी नेताओं में से एक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की जीवन से जंग जारी है। वो एक हफ्ते से भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन गौर की हालत अब और ज़्यादा क्रिटिकल हो चली है। बेहद नाजुक हालत के चलते लगातार डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि गौर की हालत बहुत क्रिटिकल है, वे अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। बॉडी मूवमेंट तो है, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है। अभी क्रिटिकल है, बट उनका ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन नहीं है। ही इज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट एंड मूवमेंट भी है उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, बट क्रिटिकल है। सेप्टिसीमिया विथ मल्टी ऑर्गन फेलियर में आए थे एंड अभी चल रहे हैं। देखिए जब आए थे, जब ही वॉज उनका गैस्पिंग था, रेस्पिरेशन गैस्पिंग मतलब बहुत ही शेलो रेस्पिरेशन उनका था एंड देर वॉज नो ब्लड प्रेशर। उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उनका बीपी आया, उनका रेस्पिरेशन भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ, आई ओपनिंग थोड़ा पहचानना ये सब स्टार्ट हुआ था। बट उसके बाद उनका जो बॉडी में जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं है। और लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल, मतलब जैसे कल से अब बाहर चल रही है, ऐसा कुछ नहीं अभी चल रहा है। अस्पताल में बाबूलाल गौर की पुत्रवधू और भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट से विधायक कृष्णा गौर वहां मौजूद हैं। वहीं हालत गंभीर होने की सूचना के बाद आज सुबह से अस्पताल में भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल उनसे मिलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।